हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हम बात करेंगे निफ्टी के आउटलुक से रिलेटेड कि निफ्टी में क्या यहाँ पर टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि आपको यहाँ पर वीडियो मिले। दो वीडियो यहाँ पर आज की डेट में हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मार्केट में आज के दिन जिस तरीके से थोड़ा सा घबराहट सी पैदा हुई लोगों में, निफ्टी लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट में बंद हुआ, तो शायद उनके मन में यहाँ पर सवाल होगा कि क्या हम प्रॉफिट बुक कर दे। तो अभी वीडियो डालिए, जाके देख लीजिए एक स्टॉक जहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है, ब्रेकआउट यहाँ पर सामने दिख रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, एज वेल एज दूसरा चैनल इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। यहाँ पर आपको दूसरा चैनल दिख जाएगा नितेश कुमार, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर और फॉलो ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर लीजिए ताकि यहाँ पर जो वीडियोस डालते हैं आप सीख सके, जान सके। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इन लाइनों का कितना यूज होता है, ओके, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस बात से आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए पहले ही ड्रॉ कर रखी थी, जाके दो दिन पहले का वीडियो देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी और क्या हुआ, यहाँ पर टच होके चीजें यहाँ से ही टच होके, मतलब यहाँ से ऊपर नहीं गई, यहाँ से टच होके चुपचाप नीचे आ गए। तो ये लाइंस का ऐसे ही मतलब होता है, ये लाइंस ऐसे ही मैंने नहीं खींच रखी, कुछ ना कुछ मतलब है। और ये सब चीज मैंने आपको सिखा रखी है, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा, तो आपको यहाँ पर चीज समझ में आ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी से रिलेटेड कि निफ्टी में आगे क्या, क्यों, क्योंकि आज यहाँ पर गिरावट होती हुई इसी नजर आई है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है, ओके, तो यहाँ पर ये कैंडल अगर नीचे बन जाती है तो यहाँ पर तेजी होती है, जो कि हमारे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दी है लगातार। बट अगर यही कैंडल ऊपर बन जाती है तो यहाँ पर गिरावट के चांसेस होते हैं। बट गिरावट कैसे होगी, गिरावट होगी अगर इसका लो टूटा तो। आज का लो कितना है, 17215, 17215 टूटा तो गिरावट होगी, बट गिरावट होगी तो साथ में यहाँ पर सपोर्ट भी है, ओके, 17141 के आसपास इसे तोड़ना जरूरी है। इसे तोड़ा तो यहाँ पर नीचे जाता हुआ यहाँ पर मार्केट दिखाई दे सकता है, ओके, और फिर इसे तोड़ा तो फिर दोबारा सीधे सिंपल 16800 तक की हम जर्नी यहाँ पर तय कर सकते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मार्केट में अगर यहाँ पर ये सपोर्ट तोड़ देता है, ओके, थोड़ी सा भी यहाँ पर गिरावट हो जाती है तो एक अच्छी बात रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट तोड़ के यहाँ पर आसपास आ जाए, इसके बाद मार्केट जब भागना शुरू करेगी, ओके, लगभग 300-400 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए अभी, तो उसके बाद जब तेजी होगी तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न टाइप में बनता हुआ नजर आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शोल्डर बना, ये पूरा हेड बनता हुआ नजर आएगा, और इसके बाद जो यहाँ पर गिरावट हुई तो शोल्डर बनेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बनता हुआ नजर आएगा। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से अगर हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे तो आपके टारगेट कितने निकल के आएंगे वो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मैं कुछ बोलने नहीं वाला, सिंपल देखिए जो मैंने पहले भी लिख रखा है, सिंपल टारगेट आ रहे हैं आपके 19600 के आसपास के, 19600 के आसपास के आपके यहाँ पर टारगेट बनते हुए नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर इसके हाई को भी यहाँ पर क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। तो 19500 19600 का यहाँ पर टारगेट सिंपल नजर आता है मार्केट में, अगर थोड़ी सी गिरावट हो जाती है और कोई चार्ट पैटर्न अगर इस तरीके का कुछ बन जाता है तो। और यहाँ पर इन लाइनों को देखना सीख है, इसी के हिसाब से आप यहाँ पर अगर ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो इस बेसिस पे ही यहाँ पर होता है, और कोई बेसिस नहीं होता। लोग सोच रहे होंगे कि और भी बहुत ऊपर जाएगा, बट रेजिस्टेंस सामने, और यहाँ पर इसे तेजी करने के लिए जो ये रेजिस्टेंस है इसे क्रॉस करना, आज का हाई 17390 इसे क्रॉस करना जरूरी है। ये इसे क्रॉस किया तो याद रखिए फिर एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे सीधे यहाँ पर लेके जा रही है, कहाँ पर, 18000 का लेवल इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी में उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बिहेव करना है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखना है, इससे पहले यहाँ पर शायद ये एक बार 17800 पे आके रुक सकता है, तो इस पे भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो निफ्टी में ये आउटलुक रहा। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए निफ्टी बेशक से ज्यादा बढ़ गया है, नो डाउट, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, और स्मॉल कैप में मैंने बताया था कि स्मॉल कैप में जब ये लाइन ये टूट जाएगी तो अच्छी खासी तेजी होगी, और देखिए आज के दिन में यही लाइन से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर दोबारा इसी लाइन के आसपास आके क्लोज हो गया। अब यहाँ पर 9422 जो आज क्लोज हुआ है 9400 पे, ओके, 9422 अगर यहाँ पर 9422 को अगर इसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इससे पहले 9600
और उसके बाद यहाँ पर 10,000 तक की जर्नी को यहाँ पर तय कर सकता है। और एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है इसके बेसिस पे। किसके बेसिस पे? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर एक हेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके, और फिर यहाँ पर एक शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हिसाब से अगर मैंने यहाँ पर टारगेट दिखाया है तो यहाँ पर आ रहा है 10,400। बट यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, इंडिया की ग्रोथ अच्छी है एज वेल एज जो छोटी छोटी कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वो बेहतरीन आ रहे हैं। तो ये टारगेट को तो आप यहाँ पर छोड़ ही दीजिए, मैं सिंपल बता रहा हूँ यहाँ से अगर निकला तो सिंपल सीधे 10,067 का लेवल है, और इसे भी अगर क्रॉस कर दिया तो 10,900 और 11,000 की जर्नी ये तय करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हायर हाइज लगा के यहाँ पर ये सीधे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस शेयर की तरफ इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप भी जब यहाँ पर इस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो हमने पर टारगेट ऑलरेडी बता रखे थे, देखिए यहाँ पर टच किया ऊपर, इसी लाइन को टच करके चीजें नीचे आ गई। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ जब ये हैमर बन जाता है नीचे नीचे बनता है तो यहाँ पर तेजी होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक हैमर बना तेजी होती हुई दिखाई दी, ओके, यहाँ पर हैमर बनाते तेजी होती हुई दिखाई दी, यहाँ हैमर बना तेजी होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर जब हैमर ऊपर बन जाता है तो यहाँ पर गिरावट के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा, ओके, और इसे समझ के अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी गिरावट हो जाएगी, इसके लो को तोड़ना जरूरी है 29,942। 29,942 को तोड़ा तो यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि 29,694 मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो 29,664, या फिर यहाँ पर भी गिरावट होगी तो 29,000 तक यहाँ पर इसे खींच के ला सकता है। तो 1,000 पॉइंट की गिरावट, 1,200 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, बट उसके बाद जब चीजें चलना शुरू होगी तो याद रखिए अच्छी खासी तेजी पकड़ेगा। एज वेल एज इसने अपना हाई भी निकाल दिया 30,288 का, 30,228 पे चल रहा है, ओके, 60 पॉइंट और ऊपर। तो याद रखिए यहाँ पर सिंपल 31,000 से पहले फिर ये नहीं रुकने वाला, या तो ये 31,000 के आसपास रुकेगा या 31,000 के आसपास, 71,500 के आसपास यहाँ पर जाके रुकेगा। और देखिए यहाँ पर भी तेजी उसी हिसाब से बन रही है। तो यही है मिड कैप, यही है स्मॉल कैप, और यही है पर्टिकुलर निफ्टी। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। जो एक ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, किस तरीके से खींचते हैं ये लाइन मैंने खींचना सिखा रखा है। प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आई बटन पर लिंक भी दूंगा, तो आपको पता चल जाएगी। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, और निफ्टी 19,500 के लिए तैयार है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।